हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का वर्क करना स्टार्ट करते हैं हम। आज सबसे पहले डेट डालेंगे हम 8 मई 2020। डे हमारा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और सब्जेक्ट हिंदी, क्लास थर्ड। थर्ड क्लास के बच्चों को आज क्या करना है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ जनरल क्वेश्चन यानी बेसिक क्वेश्चन बताती हूँ, जो आपको हिंदी सेकंड में आने चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो आपको ये लिखने भी हैं, उसके बाद ये लर्न भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्वर संख्या में कितने होते हैं, सभी स्वरों को लिखो। हमने जो बच्चों वर्णमाला याद की थी, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छत्र ज्ञातर, तो उसमें से हमको ये बताना है हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो स्वर संख्या में 11 होते हैं, और कौन से होते हैं, अ अ ई ई उ उ रे ए ऐ ओ औ, ये हमारे स्वर होते हैं। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन संख्या में कितने होते हैं। तो बच्चों व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन इसका उत्तर लिखेंगे हम, व्यंजन संख्या में 33 होते हैं यानी 33 होते हैं। अब क से लेके और हा हल तक जितने भी हमारे वर्ण होते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह बताओ। अब यहाँ पे हम जितने स्वर है हमारे अ अ ई ई उ उ रे ए ऐ ओ औ, इनकी जो मात्राएं जो इनकी लगती है वो मात्राएं हैं हमारी। तो इस तरीके से ये वाला आंसर लिखना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, अपनी याद की हुई एक सुंदर सी कहानी लिखो। आपने जो पहली क्लास में या कोई भी कहानी आपने कभी भी पढ़ी हो, आपको जो भी कहानी आती हो, पहले तो आप उसका टाइटल लिखेंगे यानी कहानी का नाम लिखेंगे, आप कौन सी कहानी लिख रहे हैं, फिर उसके बाद उसको लिखेंगे अपनी नोटबुक में। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 4 सुंदर से फूल बनाओ एवं रंग भी भरो और उनके नाम लिखो। आपको जो भी फूल सुंदर लगते हैं उन फूलों की यहाँ पे आपको पिक्चर बनानी है, कलर करने के, कलर करके फिर उसके सामने उसका नाम लिखना है ये कौन सा फूल है। तो बच्चों ये था आज का वर्क आपका। कल के वर्क के लिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।